करते हैं और सारी दुनिया जानती है। बम कहां से बरामद हुए? मायावती की कोठी से नहीं हुए। बम कहां भरा बनते हुए पकड़े गए? फैक्ट्रियां कहां पड़ती जाती हैं? संघ परिवार के लोगों के हाथ से जाली नोट कौन छापते हैं? अब्दुल वाहिद नहीं छापता, अब्दुल हमीद नहीं छापता, अब्दुल रहमान नहीं छापता, अब्दुल मजीद नहीं छापता। कौन छापता है? भारतीय जनता पार्टी का लीडर छापता। कहते हैं मुसलमान गद्दार है, मुसलमान गद्दार। आरएसएस का लीडर वोट नए जाली नोट छापे, मुल्क से गद्दारी ये नहीं जो अब्दुल वाहिद यहाँ कह रहा है। गद्दारी वो है जो जाली नोट छाप रहे थे, वो है गद्दारी। कहते हैं मुसलमान धोखा देगा, धोखेबाज है, धोखेबाजी ये नहीं जो अब्दुल वाहिद यहाँ कह रहा है। अब्दुल वाहिद जो कह रहा है दंगे की चोट अलग ऐलान कर रहा है, किसी से डर कर नहीं कर रहा है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, वोट मांगा सबका साथ सबके विकास के नाम पर, वोट मांगा अच्छे दिन के नाम पर, और वोट मांगा सबकी तरक्की के नाम पर। और हुआ क्या? वोट मांगा सियासी पार्टी के नाम पर, और इख्तदार कहाँ गया? आरएसएस के पास। गद्दारी ये है, धोखेबाजी ये है कि वोट लेते हो सियासत के नाम पर और इख्तदार जाता है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, के नाम पर इख्तदार जाता है आरएसएस के नाम पर। अजीजान मोहतरम, यही गद्दारी है। गद्दारी के 10 असल डेफिनेशन क्या है? गद्दारी की डेफिनेशन है धोखा देना, गद्दारी की डेफिनेशन है धोखेबाजी, और वो नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। सारी दुनिया जानती है वोट मांगा था सबका साथ सबके विकास के नाम पर। आज कितना सबका साथ हुआ है, किया है इन्होंने, कितना विकास किया है, आप इनका इख्तदार उठा कर देख लीजिए, आज इनका इख्तदार उठा कर देख लीजिए। सारे काम आरएसएस के लिए हो रहे हैं, सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हुकूमत नहीं चला रहे, भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। ये है गद्दारी, ये है धोखेबाजी, क्योंकि धोखेबाजी ही गद्दारी है। ये क्या करते हैं? ये मुसलमानों को मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिमों को मार रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये इसलिए मार रहे हैं कि हम पिट रहे हैं। जिस दिन हम तय कर लेंगे हमें नहीं पिटना, किसी की माँ ने जन्म नहीं दिया जो हमको मार, हमको मार दे। और एक अफवाह भी फैलाई जा रही है, बीजेपी जब दोबारा चाह रही है कि 2019 के चुनाव में जो दोबारा जीते तो उसने रणनीति तय कर रखी है कि अगर बीजेपी इस साल नहीं आती है, 2019 के चुनाव में नहीं आती है, तो ये मुसलमानों का राज है। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? मैं एक बात कहता हूँ, नरेंद्र मोदी ये अगर अफवाह फैलाते हैं कि मुसलमानों का राज होगा, मैं एक बात नरेंद्र मोदी से कहता हूँ, अमित शाह से बुलेट चैलेंज है, बराबर में आए, यहाँ खड़े होकर बैठे, एक मुसलमान को ना बुलाएं, हिंदुस्तान के ईमानदार हिंदुओं को बुला लें। क्या वो मुसलमान राज अच्छा था? क्या ये नरेंद्र मोदी का राज अच्छा था? जब मुसलमान राज था और औरंगजेब ने कानून बनाया था कि गाय हमारा कौमी जानवर है, इसकी हत्या करना जुर्म, और नरेंद्र मोदी बनाए, ये गौ माता की पूजा करते हैं ना, बनाए। मैं मुतालबा करता हूँ मुसलमान की हैसियत से, सबसे पहले मैं साथ दूंगा गौ हत्या के लिए कानून बनाए। जो गौ हत्या करे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे फांसी दे दो, बनाए कानून। नरेंद्र मोदी, मैं पहले हिमायत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं बनाएंगे। उन्हें तो गाय के नाम पर शर पैदा कर, यहाँ के मुसलमानों को मारना है, यहाँ के दलितों को मारना है। कोई खाल उतारे भैंस की, गाय की तो मारते हैं, और भैंस का दोस्त, बकरे का दोस्त, खाए अरुण जेटली, ईद मिलन प्रोग्राम में मुख्तार अब्बास नकवी के यहाँ, अब क्या बता मुझे और आपको, वो बकरे का था, भैंस का था, गाय का था, किसका था, किसे क्या पता है? आप गोश्त खाएं और मैं गोश्त खाऊं तो मुजरिम, मैं गंदा, मैं गद्दार, मैं खराब,
पीछे। ये फर्क बहुत दिन न हुकूमत को जिंदा रखता है, न किसी नजरिए को जिंदा रखता है, न किसी पार्टी को जिंदा रखता है। ये कहते हैं मुस्लिम राज आ जाएगा, मैं एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूँगा। ये कहते हैं मुस्लिम राज आ जाएगा, मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी से कि एक मिसाल दो अपने 3.5 साल में एक भी ऐसी जिसे ये सबसे बड़ा साजिम कहते हैं औरंगजेब। औरंगजेब की हिंदुस्तान पर हुकूमत थी और एक ब्राह्मण की लड़की जहाँ से ये इस वक्त प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वहाँ रहती थी, और वहाँ का उस वक्त में गवर्नर था इब्राहिम। इब्राहिम को बनाकर भेजा गवर्नर, इब्राहिम का ब्राह्मण लड़की पर दिल आ जाता है, वो ब्राह्मण लड़की मायूस होती है, अपने बाप से जिक्र करती है, बाप बहुत बेहद परेशान है। बेटी तय करती है कि मैं औरंगजेब से जाकर शिकायत करूँगी। बेटी आती है दिल्ली, जुमे का दिन है, औरंगजेब जामे मस्जिद की सीढ़ियों से नमाज पढ़कर उतर रहे हैं। औरंगजेब को उतर ब्राह्मण लड़की एक अर्जी देती है, वो उस अर्जी को लेते हैं और पढ़ते हैं जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर और कहते हैं बेटी जा बेफिक्र होकर, कोई तेरे से तेरी मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकता, तेरी शादी उससे होगी जिससे तू कहे। औरंगजेब खुद जाते हैं और जाकर भिखारी बनकर जाते हैं। वो लड़की कहती है अपनी बारात ले आओ इब्राहिम से, वहाँ का बनारस का गवर्नर अपनी बारात लेकर जाता है और औरंगजेब भिखारियों में बैठते हैं, हिंदुस्तान का शहंशाह भिखारी बनकर बैठता है। और जब वो जाते हैं उसकी सवारी आती है तो पहले पुराने ज़माने में एक रिवाज होता था, पैसे निकालते थे ऊपर से, दूल्हा के ऊपर से पैसे लुटाते थे, वो पैसे लुटाता है इब्राहिम के ऊपर से लुटाते हुए आते हैं। औरंगजेब पैसा जमीन से मांगता है, इब्राहिम बोलता है क्या बात है पैसा आपने तो नहीं उठाया, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ पकड़ते ही समझ जाता है कि हिंदुस्तान में बादशाह है औरंगजेब है। आप वहीं पर उसकी सज़ा मुकर्रर करते हैं, उसको सज़ा देते हैं, कहते हैं इब्राहिम का एक उस हाथी से पैर बांधो जिससे मैं अब दिल्ली से सवार होकर आया हूँ, और एक जो जहाँ का सबसे ताकतवर हाथी है जिससे दिले मोड़ने का काम किया जाता है, दोनों से बीच में से उसे चीर दिया जाता है दोनों टांगों से। वहाँ के गवर्नर इब्राहिम को इसलिए तो वहाँ का गवर्नर एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता था। अरे नरेंद्र मोदी तुम्हारे इख्तदार में मुसलमान की बात तो छोड़ दो, अरे लंकेश का कत्ल हो जाता है और तुम्हें तौफीक नहीं होती कि तुम एक बयान दे दो, कैसे हिंदू हो, कैसे हिंदुओं के लीडर हो, कैसे हिंदुओं के रहबर हो, या ये कहो कि पंसारे हिंदू नहीं थे, या ये कहो लंकेश हिंदू नहीं थी, या और जितने साफी मरे वो हिंदू नहीं थे, या कहो रवीश कुमार जिसे गालियां रात दिन तुम्हारे टोटी बच्चे देते हैं वो हिंदू नहीं है, अगर हिंदू है तो उनको गालियां देने के लिए तुम्हारी जुबान क्यों नहीं हिलती, और अगर तुम्हारी जुबान हिंदू के लिए नहीं दीन के लिए तो बिल्कुल सीधी बात है तुम हिंदुओं के लीडर नहीं आरएसएस की दलाली कर रहे हो, आरएसएस के दलाल हो प्रधानमंत्री, और अगर चाहो मुझे सजा दे देना, मैं हक बात कहने से कभी नहीं डरता, न नरेंद्र मोदी से डरता हूँ न इंदिरा गांधी से डरता हूँ। अजीजा ने ये बिल्कुल साफ बात है कि अगर आप हिंदुओं के नाम पर जीना चाहते हैं, हिंदुओं के नाम पर मरना चाहते हैं, आप हिंदुओं के नाम पर लीडर हैं तो फिर हिंदुओं की हिफाजत भी की जाए और जो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है उनकी भी हिफाजत की जाए, उन्हें बचाइए। उल्टा क्या करते हैं ये जो लोग गालियां दे रहे हैं, जो लोग मार रहे हैं, एक एमपी बयान देता है कि लंकेश जिंदा होती अगर हमारी सरकार की मुखालफत न की, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके एमपी का बयान है, और एमपी कोई मामूली चीज़ नहीं होता, मामूली आदमी नहीं होता, वो पार्टी की पॉलिसी का उसकी आइडियोलॉजी का पाबंद होता, वो जो भी बयान देता है पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक देता है, आइडियोलॉजी के मुताबिक देता है, यानी इसका मतलब है कि मौजूदा सरकार ने एक पॉलिसी बना ली है, एक आइडियोलॉजी बना ली है कि जो उसके खिलाफ बयान दे, जो उसके खिलाफ जबान खोले
जो उसके खिलाफ बोले उसे पहले गालियां दो, बास नहीं आता, नहीं रुकता तो उसे कुचल दो। ये बोल।